गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो जीके विद करेंट अफेयर के साथ डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि ये DARDO और DMRC चाहे LMRC एग्ज़ाम जो हो कोल इंडिया, ठीक है, वो सारे एग्ज़ाम के लिए ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई जीके तो जीके होती है। सो मैंने ये सारा जीके कुछ तो प्रीवियस ईयर रहेगा, कुछ नया भी जीके रहेगा। सो देखेंगे ये आप अगर जीके इतना कर रहे हैं विद करेंट अफेयर के साथ, तो मैं बता दूं जीके के लिए मैं जितना भी क्लास चलाने वाला हूँ वो भी मे भी सफिशेंट रहेगा एग्ज़ाम के तौर पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन विद क्वेश्चन के साथ मैं कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लास्ट में एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आप लोग को देना होगा कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर कुछ भी पूछना है बेचक पूछ सकते हैं, देखते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, और जहांगीर ने बनाया था, और कि शेर शाह सूरी ने बनाया था। तो बात करते हैं दिल्ली के लाल किला के बारे में। दिल्ली के लाल किला स्थित लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरा का लाल किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने करवाया था? सो इसका आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। सब जानते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे कितना क्वेश्चन आप लोग इसमें से कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यू नो आप लोग सब जानते होंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? सब जानते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और अगर जनसंख्या के दृष्टि से बात करें तो कौन सा है, यूपी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपास उगाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो बात करें ये रेतले मिट्टी, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी तो कभी नहीं हो सकती है भाई, ठीक है। कौन सा ये दोमटा मिट्टी, ठीक है, दोमटा मिट्टी कभी नहीं होगी। रेतीला मिट्टी का रेतीला मिट्टी अगर बात करें तो नहीं होगी, काली मिट्टी होती है, ठीक है। तो कपास की खेती के लिए क्या नाम है, जल का निकास एवं जलों का क्षमता बाली होनी चाहिए, तो वो कौन सी होती है, काली मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कितना क्वेश्चन इसमें से कर पा रहे हैं। और निम्नलिखित संक्षेप में से कौन सा संक्षिप्त भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए संगठित के लिए प्रयोग किया गया है? भाई मतलब जो इंडियन का जो स्पेस है, जो इंडिया स्पेस है, सो इसमें से कौन सा अपना इंडिया का है, ठीक है। सो नासा है, ये सब जानता है, यूएसए के है, ठीक है, सिस्को है, ठीक है, और NIN निशात है, और इसरो है। तो सब जानता है इसरो अपना इंडिया का स्पेस सेंटर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका उद्घाटन होता है 1969 में हुआ था, 1969 में कौन किया था, विक्रम भाई साराभाई ने किया था। कहाँ पे इसका ये मेन ब्रांच है, तो बेंगलोर में उसका मेन ब्रांच है, ठीक है। सो इतना अगर आप लोग कर रहे हैं तो मे बी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें बैंक ATM का शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सो इसका देखते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, ऑटोमेटिक टेलर टेलिंग मशीन है, टेलिंग मशीन है, सो टेलिंग नहीं होता है कभी भी। ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड तो टेलिंग मशीन ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन मशीन नहीं होता है ब्रो, सो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये एक स्टैटिक्स जीके है। मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का विकसित है? मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर का है, मणिपुर का कि केरल का है, और ये कर्नाटका का है कि तमिलनाडु का है? तो मैं बता दूँ ना ये होगा ना ये होगा, केरल का होगा, ठीक है। सो लास्ट में करेंट अफेयर है, वो भी आप लोग देख के जाइएगा, कुछ भी पूछना है या कोई भी चीज़ आप बेचक मुझे बता सकते हैं। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, ये इम्पोर्टेंट है ब्रो, ठीक है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, सो ये मैं बता दूँ ये काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और जम्मू कश्मीर, सो कहाँ पे होगा, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। मैंने 10 बजे बोला था एक्चुअली, किसी कारण वजह से वीडियो लेट हो गया, क्योंकि मैंने एक DSSB का एग्जाम वैकेंसी आया है उसके लिए कि मैंने एक वीडियो साथ शूट करने में अपलोड करने में थोड़ा तो सा दिक्कत हो रही थी, सो मैंने इसमें कारण से मुझे लेट हो गया। भारतीय अंग्रेज अंग्रेज भगत व्यापारी के रूप में आए, और उन्हें जो कंपनी बनाए उसका नाम क्या था, मतलब अंग्रेज जो अंग्रेज है, अंग्रेज भारत है, ये भारत में व्यापारी करने आए और उन्होंने अपनी कंपनी का क्या नाम रखा था? तो जाहिर सी बात है सब कुछ जानता है, जो अंग्रेज जो आए थे कब आए थे, पहले तो हम देखेंगे इंडो ब्रिटिश कंपनी, ये तो कभी नहीं, ग्रेट ब्रिटेन कंपनी ये भी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी,
सो इसका आंसर ये हो जाएगा, ईस्टर्न इंडिया कंपनी तो नहीं होगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। मैं बता दूं कि 1608 ईस्वी से लेकर 1947 तक रहा था, कौन सा रहा था, तो ईस्ट इंडिया अपनी कंपनी जो अपने देश में काफ़ी तक राज किया था और देश को लूट के भी ले गया था भाई। ठीक है, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजा ने उन्हें आदेश दिया था, उन्हीं के आदेश पे 15 साल के लिए उन्होंने व्यापार करने के लिए अपने भारत आए थे। ठीक है, बट 1608 ईस्वी में उन्होंने अपना क्या किया था, 1608 ईस्वी में उन्होंने अपना एक फैक्ट्री लगाया था, कहाँ पे, तो सूरत में लगाया था। ठीक है, सो यही कुछ था बेसिक से जानकारी। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया था, रोलर एक्ट के बारे में। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो रोलर एक्ट के नमक कानून के लिए, और 1919 में 1909 एक्ट के कारण जलियांवाला बाग के कारण से। ठीक है, तो सब जानते हैं जो 1919 में जो हुआ था, काफ़ी बड़ा एक विद्रोह बताया जाए, काफ़ी ज़्यादा आदमी नाराज़ हो गया था रोलर एक्ट्स के बारे में। तो आप जान लीजिए कि रोलर एक्ट होता है क्या भाई। रोलर एक्ट कुछ नहीं होता है, जब क्या होता है कि उस टाइम अंग्रेज एक ऐसा, उस टाइम यह देश आज़ादी हुआ था, जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 तक चला था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, जस्ट 1 साल के बाद ही बात करें 1919 में, एक ऐसा एक्ट लाया अंग्रेज ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि बिना किसी को पकड़े हुए, सॉरी बिना किसी पर मुकदमा चलाए हुए, बिना अदालत में रखे, उन्हें जेल में रख सकता है किसी भी इंसान को। ठीक है, मतलब शक के आधार पे। सो ये तो बहुत ही बेकार बात है ना, कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला, अगर आप कुछ गलती भी कर रहे हैं, नहीं गलती कर रहे हैं या नहीं भी गलती कर रहे हैं, आपको पकड़ के सीधा जेल में रख रहे हैं बिना गलती किए हुए, तो ये तो गलत बात है ना। सो वही उन्होंने किया था। सो ये इससे गांधी जी काफ़ी नाराज़ हो गए थे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रोलर एक्ट के कारण से गांधी जी विरोध सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसमें काफ़ी इंसान भाग लिए थे और एक साथ हो गए थे, मतलब एक जो इंडिया के साथ एक साथ और ब्रिटिश जो थे सेना एक साथ हो गए थे। ठीक है, सो ये युद्ध काफ़ी अच्छा युद्ध माना जाता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो मे भी अच्छे से जानते होंगे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, सब जानते हैं, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। टेरगट्स और कार्निवाल्स, आप लोग मुझे बताएंगे कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि मैं 20 या जो भी 35 क्वेश्चन अप्रोक्स कराता हूँ उसमें से बताएंगे कितना क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, सीधा ये भी लिख सकते हैं, 50% या 10% जो भी लिखना है आप लोग लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊँगा। और सिस्पेंस या जानसर क्या, डायर, ठीक है, डायर के नाम से मैंने इसे याद किया था मैंने भी, ओ डायर के नाम से। ठीक है, जलियांवाला हाँ जो गोली चलाया था उसमें किसने चलाया था, तो ओ डायर के आदेश पे चलाया था गोली, उसमें काफ़ी इंसान मारे गए थे लगभग। बात करें ये जो चला था, कब चला था, 13 अप्रैल, और 13 अप्रैल जस्ट 13 अप्रैल और 1900 रोलर एक्ट का हुआ था ना, उसी के बाद ये चला था। ठीक है, 13 अप्रैल और 1919 में ये हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचोलो को गिरफ्तार कर लिया गया था, मतलब बिना कोई भी मुकदमा का ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल में धर दिया था, जिसके कारण से ये क्या क्या ये एक सभा कर रहा था कहाँ पे, तो अमृतसर में एक मेला लगा हुआ था। सो वहीं पे क्या हुआ था, डायर आए और जनरल डायर आए और काफ़ी इंसान को, मतलब उसमें गोली से नीचे काफ़ी आदमी को मार दिया गया। ठीक है, सो यही था इसका बेसिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो बताएंगे कि वास्को डिगामा भारत कब आए थे, तो वास्को डिगामा सब जानते हैं, 1992 में, 1998 में और 1398 में आए थे। और क्या बात करें 1542 में, तो 1998 में आए थे। गाइस मैं बता दूं कि वीडियो कुछ लंबा ज़्यादा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग पहले वो मुझे रिस्पॉन्स देंगे कि कैसा लगा वीडियो, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन ज़्यादा लूँ। ठीक है, सो ये ले रहे हैं, उसके बाद मैं 4 या 5 ले लेता हूँ, करेंट अफेयर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं वास्को डिगामा के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जो भारत आए थे, मैं बात करूँ जब पुर्तगाल 1498 में आए थे, कब आए थे, 1498 से ले 1961 तक रहा था। ठीक है, ये कहाँ पे, वास्को डिगामा जो आए थे वो पुर्तगाल के थे, और जो भारत आए थे कहाँ पे आए थे, तो वो कालीकट केरला के साइड में आए थे। ठीक है, यहाँ पे आए थे, जो उसको एक हिंदू शासक थे, कौन सा, जमालुद्दीन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, तो ये है, देखते हैं और 4 क्वेश्चन करवा देते हैं। 26 जनवरी को कौन सा, 26 जनवरी को मनाया जाता है, जाहिर सी बात है सब जानते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ना कि स्वतंत्रता दिवस, क्रांतिकारी दिवस, संसद दिवस के नहीं, गणतंत्र दिवस के दिन मनाया जाता है। ठीक है, सो 15 अगस्त 1947 को मैं देश स्वतंत्र हुआ था, सो 15 अगस्त को मनाया जाता है। साहित्य नोबेल पुरस्कार का प्रथम प्रथम भारतीय कौन था, तो बात करें प्रथम भारतीय सब जानते हैं, ये है मदर टेरेसा, नहीं ये रविंद्रनाथ टैगोर था। प्राचीन साम्राज्य का आवृत्ति की राजधानी कहाँ पे थी, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा,
सी क्या हो जाएगा, सी उज्जैन था। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा वीडियो लंबा हो, मैं चाहता हूँ बहुत ही कम टाइम में हो। LBW जो है, LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सो किस खेल से संबंधित है? सो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और पांच करेंट अफेयर ले लेते हैं, 20 क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग मुझे पहले बताइएगा कैसा लगा वीडियो, फिर मैं इसके बाद वीडियो को और भी क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले कुछ 5 क्वेश्चन करवा रखा था, ठीक है, कुछ एक प्रीवियस वीडियो में, जो मे बी ये था DMRC से प्रीवियस वीडियो था, बट वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई DMRC के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, और कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या तो आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2019 को FSSAI के रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया था? तो जयपुर, मुंबई सेंट्रल, जाहिर सी बात है ये मुंबई सेंट्रल होगा, ग्वालियर और रांची नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 2019 में वेलेंडी की ओर किताब जीता था? तो किसने जीता था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मोड्रिक्स और लियोनेल मेसी जीता था। लियोनेल मेसी हो जाएगा इसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी। हाल ही में कौन सा मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाले दुनिया का पहला देश बनी है? मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला कौन सा दुनिया की पहला देश बनी है? ये चीन, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कौन सी बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया बनी है। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए देता हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। कौन सा व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ये करंट अफेयर का वीडियो, सो आप मुझे बताएंगे। टॉपिक वाइज मैं भी करंट अफेयर बनाता हूँ, सो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है, कैसा वीडियो लगा आप मुझे बेझक बता सकते हैं, क्या मॉडिफाई करूँ, अगर आप लोगों को कुछ एडवाइस है तो आप लोग बेझक मुझे दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो जरूर देखिए, शेयर कीजिए भाई, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।